आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आईब्रोज बहुत कम है, तो ये हम लोग ने नॉर्मल पेन से हम लोग ने मार्क किया है यहाँ पे। सब लोग अच्छे होंगे। एक हफ्ता होने आ रहा है, पिछले शनिवार या रविवार को हम लोग ने रात को कुछ वीडियो डाला था और अभी रविवार को हम लोग या मे बी सोमवार मंगलवार को वीडियो डालेंगे ये वाला। और अभी हम लोग का जो टाटू होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है एक स्लीव टाटू होने वाला है, और उसके साथ मेंस का जो आईब्रो हम लोग करते ना वो टाटू होने वाला है। मतलब लेडीज़ का भी होता है एंड मेंस का भी होता है, लेकिन मेंस बहुत कम करते हैं। तो एक दादा है हम लोग के यहाँ पे, तो उनको आईब्रोज चाहिए था क्योंकि उनके आईब्रोज बहुत कम थे, तो उसके लिए उनका परमिशन लेने के बाद ही मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली उनको आईब्रोज करना था। तो अगर आपको नहीं पता तो आईब्रो दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो ब्लीडिंग जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलता है, और एक टैटूइंग में माइक्रो हेयर टैटू, तो वो लाइफ टाइम चलता है, आपके साथ जाता है, और वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टिस्ट कैसे बनाता है एंड उसका रिजल्ट कैसा होगा। तो बेसिकली हम लोग जो रिजल्ट देते हैं वो हेयर की तरह रिजल्ट देते हैं, तो आपको आगे रिजल्ट भी देखने मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं वीडियो के ऊपर क्योंकि बहुत टाइम हुआ है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हम लोग का ये वीडियो आया। सो आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन हम लोग को जो कल दादा आए थे बोरूली से, तो उनका ही आज आईब्रो टैटू बनाना है। तो बेसिकली ये वाला पिक दिखा देता हूँ। हाँ, ये पहले का पिक है, उसके बाद हम लोग ने ये मार्किंग किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आईब्रोज बहुत कम है, तो ये हम लोग ने नॉर्मल पेन से हम लोग ने मार्क किया है यहाँ पे, और ये वाले शेप में हम लोग को आईब्रोज बनाने हैं उनके। हाँ, एंड देन उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट रहेगा ना, तो वो फाइनल रिजल्ट आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। 6.5 hours later। सो आप लोग देख सकते हो कि ये 3 स्टार है, तो हम लोग को अभी कवर अप करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ली है, तो उस लाइन के ऊपर हम लोग फेदर डालने वाले हैं और उसको कवर करने वाले हैं। Two hours later. टैटू हो गया है कंप्लीट पूरा, तो वही टैटू मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे
2 hours later. इसलिए अभी जस्ट हम लोग एक टाटू बनाने वाले हैं, तो वो दादा को यहाँ पे ये वाले हैंड पे उन्होंने माउरी टाटूस निकाला था, तो उसको ही हम लोग को थोड़ा उसके आजू बाजू कवर करना है, उसको माउरी टाटू को अच्छा बनाना है, देन थोड़ा सा और बिल्डन एक्सपांड करना है. तो वो टाटू मैं दिखा देता हूँ वो दादा का, और जो हम लोग करने वाले वो भी आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे. सो दादा का ये वाला पहला टाटू है, तो उनको यहाँ से एक्सपांड करना है, हम लोग को यहाँ से पीछे से एक्सपांड करना है, और यहाँ पे फ्री हैंड डिज़ाइंस थोड़ा सा निकालना है. तो आप लोग देख सकते हो हम लोग ने ये फोटोशॉप में लिया है, और उसके ऊपर उनको आउल चाहिए था, तो माउरी टाटूज में हम लोग ने ये आउल निकाला है, और उसके आगे पीछे अभी हम लोग और टाटूज बनाने वाले हैं. लेकिन आप लोग देख सकते हो कि हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे मैच हो रहा है, और आउल अच्छा भी लग रहा है, और आइज बहुत. 5 minutes later. और अभी रात के 11 बजने आए हैं, तो हम लोग स्टूडियो बंद करना है, इसलिए जितना हम लोग ने टाटू किया था हम लोग को पूरा कंप्लीट करना था. लेकिन मैंने सोचा कि उनको वो बोरोवली रहते हैं, तो अगर यहाँ से नवी मुंबई से हम लोग बोरोवली जाएंगे तो बेसिकली 2 घंटा लगता है, तो हम लोग अगर 11 बजे भी कर रहे तो बेसिकली वो 1 बजे तक पहुँच जाएंगे. इसलिए हम लोग ने आधा ही टाटू किया, बाकी का टाटू हम लोग कल करने वाले हैं. तो वही जो हफ टाटू हुआ है वही मैं आपको दिखा देता हूँ. सो आज वार है शुक्रवार, तो आज शुक्रवार के दिन हम लोग जो भाई आए हैं बोरोवली से, पिछला कल का टाटू उन्होंने बनाया था हैंड पे, देन अभी उनको आईब्रोज बनाना है, तो जो आईब्रोज का शेप है वही मैं आपको दिखा देता हूँ. एंड देन लास्ट का जो रिजल्ट रहेगा ना, पहला रिजल्ट आपको ये वाले इमेज में दिखेगा, देन उसके बाद हम लोग ने जो आईब्रोज किया उसमें, एंड देन पूरा उसके बाद जो रिजल्ट है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आईब्रोज बहुत कम है, तो ये हम लोग ने नॉर्मल पेन से हम लोग ने मार्क किया है यहाँ पे, और ये वाले शेप में हम लोग को आईब्रोज बनाने हैं उनके. देखो ये बैठे हुए है दादा. तो दादा आप कहाँ से आए हो? तो ये दादा बोरोवली से आए हैं, और अपना स्टूडियो नवी मुंबई में है. तो मैं आपको ये पूरा रिजल्ट दिखा देता हूँ आईब्रोज का, कैसा लग रहा है आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो. Later. अभी फिलहाल इनके जो आईब्रो दिख रहे हैं ना, वो आपको बहुत डार्क दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग ने उसको इसके हिसाब से किया है ताकि अगर 15-20 दिन के बाद जब भी वो टैटू हील हो जाए
तो ये हल्का हल्का हम लोग का स्किन निकलता है, और स्किन निकलने के बाद एकदम नेचुरल आईब्रोज लगता है। तो उनका जब भी रिजल्ट आएगा ना, तो मेरे ब्लॉग में उनका रिजल्ट आएगा, और देन आपको पता चलेगा कि प्रॉपर आईब्रोज कैसे होते हैं। अभी जस्ट डार्क दिख रहा है क्योंकि जस्ट अभी अभी किया है, उसके लिए उसका कलर बहुत डार्क है। उसके बाद 15-20 दिन के बाद थोड़ा सा लाइट होता है, मे बी इट्स 30% लाइट और 25% लाइट होता है वो टैटू, और उसके बाद आईब्रो बहुत अच्छे दिखते हैं। सो ये टैटू हम लोग ने दादा का कल ही किया था, तो आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा स्किन स्कैब होने के लिए निकल रही है, मतलब ड्राई हो गई है स्किन, लेकिन टैटू देख सकते हो आप। तो इसके आजू बाजू भी हम लोग को आज करना है टैटू। हम लोग ने ये फ्री हैंड डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ने फ्री हैंड डिज़ाइन किया है। तो इसको ही अभी हम लोग एक्सटेंड करके और बड़ा करने वाले हैं टैटूस को। 5 minutes later वाला टैटू हुआ था, देन हम लोग ने ये वाला टैटू किया, ये वाला, देन अभी हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फ्री हैंड किया है, तो यहाँ पे डायमंड एंड ऑल आएगा, यहाँ पे क्राउन भी आ सकता है, और ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे भी पूरा डिज़ाइन फ्री हैंड किया हुआ है। तो ऐसा होता है फ्री हैंड का, बाद में एकदम लाइट करके वो पूरा टैटू कंप्लीट किया जाता है। फ्री हैंड टैटू में टाइम लगता है क्योंकि हम लोग को ये डिज़ाइन हर वक्त बदलना पड़ता है। ऐसा वाला जब हैंड रहेगा तो ये वाला डिज़ाइन दिखेगा, एंड जब हम लोग का हैंड हम लोग ऐसे करेंगे तो ये वाला डिज़ाइन सबसे अच्छा दिखेगा, एंड देन जब कर्व होगा तो ये वाला डिज़ाइन आएगा पीछे ऐसा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नवी मुंबई में और मुंबई में किसी को भी टैटू बनाना होगा या इंडिया में किसी को भी टैटू बनाना होगा, तो सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हो। आई बटन पे आपको एक नया वीडियो दिखेगा, और यहाँ पे जितने भी वीडियो आएंगे मेरे टैटू के रहेंगे एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग रहेगा, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी के लिए टाटा बाय, टेक केयर और पीस गाइस।